चुने जिनसे सभी उपनिषद में स्टार्ट किया जाता है या तो एंड किया जाता है। चलिए ठीक है, अभी स्टार्ट करूं छंद ऑफ द उपनिषद। छंदों के उपनिषद यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ये पूरा वो आ नहीं रहा है। चलिए छंदों के उपनिषद। छंद अर्थात जो पहले जो सामवेद होता था, सामवेद क्या है? सामवेद गायन का इस विषय वस्तु मिलती है। गायन मतलब जो गीत गा करके जो भी मंत्र गाए जाते हैं गा करके, या तो गायन का या संगीत का विषय जो कहा जाए वो सामवेद में देखने के लिए मिलता है। तो जो मंत्र होते हैं जिनको गा करके जिनका उच्चारण किया जाता है, जिनका गायन किया जाता है, वो छंदों के रूप में इसमें लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है तो इसी से हम पढ़ेंगे छंदों के उपनिषद। छंद तो इसमें जो मेन आपको पढ़ना है, सिलेबस की विषय वस्तु है उद्गीत की संपूर्ण व्याख्या और शांडिल्य विद्या। सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी। उद्गीत का तात्पर्य यहाँ पे ओम से लिया गया, और सीधा सीधा यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो, कि शांडिल्य विद्या का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है और उद्गीत की उपासना किस उपनिषद से रिलेटेड है। क्योंकि सभी जगह ओंकार बोला जाता है, प्राणा बोला जाता है, अक्षर बोला गया है, लेकिन उद्गीत सिर्फ यही एक ऐसा उपनिषद है जिसमें उद्गीत बोला गया है। मैं इनकी बात कर रही हूँ जो हमारे सिलेबस की बात है, हो सकता है और किसी उपनिषद में भी हो जो हमने पढ़े नहीं कभी। तो आपके ये जो 10 उपनिषद हैं और योग उपनिषद हैं, इनमें मिलाकर के यदि सभी में देखा जाए तो उद्गीत की उपासना सिर्फ बताई गई है छंदों के उपनिषद में, और शांडिल्य विद्या बताई गई है। छंद का तात्पर आच्छादित करना अर्थात ढकना, ढकना या आवरण बोल सकते हैं हम। जो ज्ञान पर आवरण पड़ा होता है अंधकार का, तो उसको हटाने के लिए जो इसमें विद्या दी गई है उसकी बात की गई है। इसमें 8 अध्याय हैं, ये याद रखिएगा, 8 अध्याय। बृहदारण्यक में कितने अध्याय छह थे? 6 अध्याय थे, ठीक है। ब्राह्मण के 10 अध्यायों में से इसमें क्या बताया गया, ब्राह्मण के 10 अध्याय जो हैं उनमें से अंतिम 8 अध्याय जो हैं वह क्या हैं? छंदों के उपनिषद। जो वेद थे, वेद के 4 भाग है ना, कौन कौन से बताएगा कोई? ब्राह्मण संहिता आरण्यक उपनिषद वेरी गुड। तो वही जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मण के 10 अध्याय हैं, और उन 10 अध्यायों में से जो अंतिम 8 अध्याय हैं वो क्या कहलाते हैं? उपनिषद कहलाते हैं, मतलब सॉरी छंदों के उपनिषद के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण का अंतिम 8 अध्याय किस उपनिषद के नाम से जाना जाता है? तो छंदों के उपनिषद। जैसे ईशावास्य उपनिषद जो जाना जाता है वो किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है ना, लास्ट का सबसे अंतिम जो है 40वां अध्याय, वो क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। इसी प्रकार से ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्याय छंदोग्य उपनिषद। सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत छंदोग्य ब्राह्मण अंश को छंदोग्य उपनिषद कहते हैं। मतलब सामवेद के अंतर्गत जो शाखाएं हैं तो उसमें से जो तलवकार शाखा है उस तलवकार शाखा के अंतर्गत जो छंदोग्य है वह ब्राह्मण अंश है। जो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण के अध्यायों में से लिया गया है तो इसीलिए यहाँ कह गया छंदों के ब्राह्मण अंश को छंदों के उपनिषद कहा गया है, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर याद रखनी है आपको, एक तो सामवेद की तलवकार शाखा से लिया गया है और दूसरा ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्याय का नाम है, ठीक ना। है। केन भी तो तलवकार शाखा से ही है ना, ब्राह्मण सामवेद हाँ की सामवेद की तलवकार शाखा से, हाँ वो 90 अध्याय ठीक से लिया है, है। हाँ 90 अध्याय से लिया है वो। हाँ 9वें अध्याय से ओमकार उपासना का विस्तृत वर्णन। अब ओमकार में यहाँ पे हम जो उद्गीत उपासना पढ़ेंगे, उद्गीत की ही बात की गई तो सबसे पहले ओमकार का आएगा, ठीक है। ओमकार क्या हो रहा है?
यहाँ पर हम देखेंगे ओंकार उपासना का विस्तृत वर्णन। तो यहाँ पे उद्गाता द्वारा ओम का उच्चारण उच्चारण, उद्गाता मतलब गाने वाले को कहा गया है, ठीक है, जो गाता है किसी चीज को उसको उद्गाता कहा जाता है। तो ओंकार के गायन करने वाले को यहाँ पर उद्गाता कहा गया, जो ओम का उच्चारण करता है, जो उद्गीत साधना करता है, अर्थात ओम की जो साधना करता है उसको क्या कहा गया है यहाँ पर, उद्गाता। तो कहा उद्गाता द्वारा ओम उच्चारण उद्गीत साधना की व्याख्या की कैसे की गई है। तो सबसे पहले आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बताती हूँ आगे, तो एक एक करके देखिए। संपूर्ण प्राणियों पदार्थों पंच महाभूतों का रस क्या है, पृथ्वी, मतलब इसका जो सार है, जब पंच महाभूतों का सार निकाला गया तो इन सबका सार क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी का सार क्या है, जल। जल का सार क्या है, औषधि। औषधि का सार क्या है, पुरुष। पुरुष का सार क्या है, वाक अर्थात वाणी। वाणी का सार क्या है, ऋक। ऋक का सार क्या है, साम। साम का तात्पर्य यहाँ प्राण से लिया गया है। साम का रस क्या है, रस। रस का मतलब ही सार है, जो एक सारभूत निकलता है, उद्गीत। और उद्गीत सभी रसों में सर्वोत्तम कहा गया है, ये आठवां रस है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपका कि सभी रसों में उत्तम आठवां रस का नाम क्या है, तो उद्गीत। या तो फिर इनमें से पूछा जा सकता है कि औषधियों का सार क्या है, रस या सार कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सार क्या है, पुरुष है। पुरुष का सार क्या है, वाक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे कुल मिलाकर किसकी आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ जो बताया गया है यहाँ पर ओंकार, तो मेन यहाँ पर उद्गीत को ही बताया गया और क्वेश्चन यहीं से बनने की संभावना रहेगी आपके कि सबसे उत्तम रस या तो आठवें नंबर का उत्तम रस कौन सा है, तो उद्गीत, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बाकी ये चीज आपको याद हो ही जाएंगे क्योंकि एक सीक्वेंस में है। जैसे हम देखेंगे जो महाभूत है, महाभूत से पृथ्वी, पृथ्वी में क्या जल, आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। जब जल का सिंचन होता है तो औषधियां आती हैं, औषधियों से ही आपने ऐतरेय उपनिषद में देखा था, जैसे पुरुष, ठीक है, पुरुष, फिर वाणी के द्वारा जो अग्नि प्रकट होती है, तो वाक यहाँ पर बोला गया, फिर रिज रिक का, फिर साम, साम यहाँ पे प्राण से लिया गया और उसी से फिर किसकी उत्पत्ति हुई है, लास्ट में जो रस निकला हुआ है साम का, कहा गया उद्गीत। जब प्राणों का प्रश्वसन निश्वसन करता है व्यक्ति या उच्चारण करता है, उन सब का जो सार निकल कर आता है उसको उद्गीत कहा गया है, ठीक है। जैसे अजपा जब आपने सुना है ना, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं इसका, कि जीव जो होता है 21,600 बार दिन और रात्रि को वो मन में प्राण के द्वारा ही उसका उच्चारण चलता रहता है। तो इसीलिए सबका जो सार कहा गया है यहाँ पर देखेंगे, साम का जो सार कहा है, प्राण का जो सार कहा है, वो क्या कहा है, उद्गीत कहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें ज्यादा आप लोग वैसे समझने की कोशिश मत करिएगा, इसको एग्जाम की दृष्टि से पढ़िएगा तो ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से वैसे विषय हैं जिनको एक दिन में या एक घंटे में नहीं समझा जा सकता। आप उपनिषद उठा करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ना है तो एग्जाम के बाद पढ़िएगा। अभी सिर्फ एग्जाम के पर्पज से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उतनी पढ़नी है, क्योंकि दो दिन बाद आपका एग्जाम है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋक, कहा गया जो ऋक रूपी वाणी है और साम रूप प्राण है, यह मिथुन जोड़े प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि मिथुन जोड़े कौन से प्रसिद्ध हैं, तो ऋक रूपी वाणी और साम रूपी प्राण, ठीक है। दोनों के सहयोग से ओम का सृजन होता है, तो किसके सहयोग से ओम का सृजन होता है, ऋक रूपी वाणी से और साम रूप प्राण से। इनका फल क्या होता है, यदि ओम का सृजन होता है तो फल क्या होता है, यदि दोनों को मिलन से ओम बनता है, तो कहा, अब यहाँ पे इसीलिए बोला गया क्योंकि आप जो श्वास ले रहे हैं, जो आपकी प्राण चल रही है, ठीक है, जब उस प्राण के साथ आप वाणी से कुछ जब उच्चारण करेंगे तभी तो ओम का उच्चारण होगा ना। तो इसीलिए कहा गया कि जब इन दोनों का सहयोग होता है, सिर्फ एक का सहयोग होने से आप ओमकार का सृजन नहीं कर सकते, भले ही आप मन में भी उच्चारण करते हैं ना कहीं आंतरिक मन से बोलते ही हैं उस वाणी से ओम, तभी जाकर के वो प्राण और वाणी का मिलन होता है, तब ओम का सृजन होता है। और ओम का जब सृजन होता है, जब आप उसका उच्चारण करते हैं अर्थात, तो क्या होता है, संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है, ठीक है। यहाँ पर जो ऋक यजु और साम, इनको क्या कहा गया है, त्रय विद्या कहा गया है। कहा कि ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद जो है, ऋक यजु और साम, ये त्रय विद्या है,
और यह भी कहा गया है कि इन त्रय विद्या में जो ओमकार है इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जब हम ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो इन सभी मंत्रों के आप उच्चारण में देखेंगे हर एक मंत्र के प्रथम में ओम का उच्चारण किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे श्रेष्ठ बताया गया है त्रय विद्या के लिए। तो त्रय विद्या के लिए श्रेष्ठ क्या है? ओम। अब यहाँ आ जाएगा ये द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में देवासुर संग्राम बताया गया है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, देवों का और असुरों का संग्राम होता है। तब असुर सोचते हैं कि हम देवों को परास्त कर देंगे, और वह क्या क्या करते हैं, तो जब देव उपासना करते रहते हैं, जैसे पहले होता था ना, आपने देखा होगा यज्ञ करते थे तो जो असुर होते थे उस यज्ञ में कुछ पानी डाल देते थे, तो कभी हड्डियां डाल देते थे, जिनके कारण उनका जो यज्ञ होता था वो भ्रष्ट हो जाता था और उन्हें उसकी जो फल की कामना होती थी वह नहीं मिल पाती थी। तो इसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने ऋषियों का जो यज्ञ था उसको नष्ट किया था, वैसे ही वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम देवताओं को परास्त करेंगे। तो प्रजापति की दोनों संतानें कही गई हैं, देवगण और असुरगण को क्या कहा गया है कि ये दोनों प्रजापति की संतानें हैं, और ये दोनों जब युद्ध करने लगे तो देव विचार करते हैं कि हम उद्गीत की उपासना करेंगे, तो असुर सोचते हैं कि हम इनको परास्त करेंगे, इनको हरा कर ही रहेंगे हम। तो जब उद्गीत की उपासना शुरू होती है तो देवों ने सबसे पहले नासिका प्राण से क्या किया, उद्गीत की उपासना शुरू की, तो असुर आते हैं और उसको भ्रष्ट कर देते हैं। जब भ्रष्ट करते हैं, परास्त कर देते हैं, तो क्या होता है कि नासिका के द्वारा जो हम सुगंध और दुर्गंध दोनों हम प्राप्त कर पा रहे हैं आज, यदि प्राण भ्रष्ट नहीं हुआ होता, यदि देव परास्त नहीं होते हुए होते, असुरों के द्वारा कुछ गलत नहीं किया गया होता, युद्ध नहीं हुआ होता, तो आज सिर्फ हम अच्छी अच्छी चीजें ही वो कर पाते, सिर्फ सुगंध ही हमें आती, दुर्गंध नहीं आती। तो नासिका से प्राण जब लिया तो इसे भ्रष्ट कर दिया। जब वाणी रूप से ओम का उच्चारण किया तब क्या किया कि वहां पर असुर आए और असुर ने फिर से वाणी को भी भ्रष्ट किया, और भ्रष्ट करने के बाद क्या हुआ, सत्य और असत्य, वाणी में क्या आ गया, असत्य भी आ गया और सत्य भी आ गया। तो इसी वजह से आज हम सत्य भी बोलते हैं और असत्य भी बोलते हैं। फिर जब देवों ने चक्षु से प्राण की उपासना की तब यहाँ पर आकर असुर फिर से उन्हें उनका जो उद्गीत की उपासना थी उसको भ्रष्ट करते हैं, और उसमें क्या हो जाता है कि कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो दर्शनीय और अदर्शनीय, आप अच्छा भी देख पाएंगे, और अदर्शनीय का तात्पर्य यहाँ पर ना दिखना नहीं है, अदर्शनीय का तात्पर्य है जो चीज देखने योग्य नहीं है, ठीक है। तो दर्शन जो देखने योग्य है, अदर्शनीय जो देखने योग्य नहीं है, तो यहाँ पे दोनों चीजें दिखने लगी चक्षु से कि जो चीज देखने योग्य थी, जो हमें देखना चाहिए सात्विक चीजें थी, और यहाँ पर मतलब आप यदि देखेंगे इनमें क्या होता है कि पहले जब उनकी उपासना करते हैं देव तो उनको सिर्फ क्या होता है, सतगुण प्रधान होता है, लेकिन देव जब जब असुर आते हैं और असुर उन्हें परास्त करने का निर्णय कर लेते हैं, तो वह जब उनकी उपासना को भंग करते हैं तो उपासना को भंग करने के बाद उन्होंने तमोगुण का प्रभाव भी आ जाता है और रजोगुण का प्रभाव भी आ जाता है, तो तीनों गुण हो जाते हैं। इस कारण से सुगंध दुर्गंध सत असत दर्शनीय और अदर्शनीय हो जाता है। इसी प्रकार जब मन से ओम की उपासना करते हैं, उद्गीत की उपासना करते हैं, तो संकल्पनीय और असंकल्पनीय, अर्थात जो चीजें संकल्प, जो चीजें सोचने वाली है, जो सतोगुणी है, जो ईश्वर अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति दिलाने वाली है, वो चीजें भी हम संकल्प करते हैं। जो असंकल्पनीय है अर्थात जो हमारे लक्ष्य तक नहीं ले जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य से भटकाती है हमें, तो वह असंकल्पनीय कही गई है। मुख प्राण रूप जब मुख से क्या किया, उसकी उपासना करने की उपासना किसकी की, ओमकार की, उद्गीत की। तो ये चीज याद रखिएगा, मुख प्राण रूप से, मुख से जब देवों ने उपासना की तो क्या हुआ, अभेद चट्टान की तरह दृढ़ कर असुर को पराजित कर दिया। यहाँ पर क्या होता है कि जब फिर से वो मुख से उपासना करने की सोचते हैं, जब उपासना करने की सोचते हैं तो यहाँ पर असुर पराजित हो जाते हैं और असुरों का वश नहीं चल पाता है। तो इसीलिए इसको एक चट्टान से तुलना की गई है कि जिस प्रकार बहुत बड़ी चट्टान होती है और उस चट्टान पर यदि कुछ मारा जाए और वह टूट जाता है, इसी प्रकार जब मुख्य प्राण रूप से मुख से तात्पर्य है मुख, यहाँ मुख भी बोला गया और मुख्य प्राण भी बोले गए हैं, ठीक है, तो ये दोनों आ सकता है।
या तो मुख आ सकता है कि मुख से किया गया उच्चारण, या तो आ सकता है मुख्य प्राण रूप से उच्चारण किया गया, तब क्या हुआ असुरों का, तो वह अभेद चट्टान की तरह दृढ़ कर असुर को पराजित कर देते हैं, जो देवता होते हैं उनको पराजित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य प्राण के अन्य नाम। अंगिरस, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है मुख्य प्राण के, जो अन्य नाम है कौन कौन से हैं, अंगिरस, बृहस्पति, आयास और बक। इसमें सेकेंड स्लाइड जो अभी लास्ट वाली हमने देखी थी, इसमें ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये चीज याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछा जा सके द्वितीय खंड में किसके बारे में बताया गया देवासुर, लेकिन ये हमारे सिलेबस का विषय नहीं है, तो इसीलिए या तो ये पूछा जा सकता है कि उद्गीत की उपासना करने पर अभेद चट्टान की तरह असुर दृढ़ हो गए तो किससे की गई थी, और ऑप्शन में ये दे दिया जा सकता है आपको, नासिका, वाणी, चक्षु, मन या तो मुख्य प्राण, तो यहाँ से बन सकता है, तो इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला याद रखिएगा। कि नेक्स्ट हम देखेंगे मैम, माइक ऑफ है आपकी। हेलो, हाँ आ रही है आवाज? आई मैम। मुख्य प्राण के अन्य नाम, ये चार चीजें आप याद रखिएगा, अंगिरस, बृहस्पति, आयास और बक। जैसे अभी हमने लास्ट में देखा ना कि मुख्य प्राण से ही क्या हुआ था, असुरों का असुर जो हो गए थे वो पराजित हुए थे तो यहाँ पर हम देखेंगे ऋषियों के द्वारा प्राण उपासना, इनका नाम जो है ऋषियों पर पड़ा है, ये जो मुख्य प्राण है। तो पहले क्या थे, पहले अंगिरा ऋषि थे, अंगिरा ऋषि ने क्या किया, मुख्य प्राण रूप में ओंकार उपासना की, अंतः प्राण को अंगिरस कहा गया। जब अंगिरस ने मुख्य प्राण की उपासना की तो उसका नाम क्या रखा गया, अंगिरस, ये अंगिरस है, रास नहीं है, ठीक है, अंगिरस कहा गया। और अंगिरस का तात्पर्य क्या होता है, संपूर्ण अंगों का रस, संपूर्ण अंगों के रस को ही क्या कहा जाता है, अंगिरस कहा जाता है। दूसरा, जब बृहस्पति देव ने प्राण को बृहस्पति के रूप में प्रार्थना की, बृहस्पति का तात्पर्य क्या होता है, बृहति का तात्पर्य है वाणी, पति का तात्पर्य है प्राण, तो वाक के द्वारा अर्थात मुख्य प्राण का जब उपासना करते हैं तो उसका क्या नाम रखा गया, बृहस्पति, अर्थात जिस ऋषि ने या जिस देव ने जिस प्रकार से उपासना की तो उस प्राण को वही नाम दे दिया गया। जब आयास ऋषि ने मुख से आयास ऋषि ने इसका आगे लिखा नहीं है, आयास ऋषि ने जब प्रार्थना की थी तो मुख से निष्क्रमण होता है प्राण का और उसका नाम आयास रखा जाता है। फिर फोर्थ है दल्भ ऋषि, दल्भ ऋषि के पुत्र जो है बक, बक, ये चीज याद रखिएगा, दल्भ ऋषि के जो पुत्र हैं बक, बक नाम के ऋषि ने जब प्राण की उद्गीत उपासना की तो वह नैमि सरायण यज्ञ करने वाले, मतलब जो यज्ञ करते थे ऋषि, तो ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे तो उसमें क्या हुआ कि ऋषियों की कामनाओं पूर्ति के लिए उद्गान किया, मतलब इन्होंने अपने लिए नहीं किया, इनको एक ऐसा वरदान मिला जब इन्होंने प्राण की उपासना की कि ये जो ऋषि होते थे जो यज्ञ करते थे तो उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए उन्हें ओमकार का या उद्गीत की उपासना खुद करते थे और उन्हें भी कराते थे, इस प्रकार से कहा गया। तो यहाँ पर चार चीजें बस इंपॉर्टेंट रखने की हैं, अंगिरा ने किया प्राण की उपासना तो अंगिरस नाम आया, बृहस्पति ने किया तो बृहस्पति नाम हुआ, आयास ने किया तो आयास नाम हुआ, और दल्भ के पुत्र बक ने जब उपासना की उद्गीत की तो उसका नाम क्या हुआ, बक। चार चीज मैम, अंगिरस ऋषि ने जो किया तो वो मुख्य प्राण से ओंकार की उपासना की, मुख्य प्राण से, और इन्होंने आयास ऋषि जी ने निष्क्रमण किया मुख से, और ये बृहस्पति जी ने क्या किया, एक बार इनका बता देना, इन्होंने वाणी के द्वारा, ये ब्रह इसका पूरा अर्थ ही दिया ना, बृहति अर्थात वाणी, वाक, वाक का तात्पर्य क्या होता है, वाणी, पति का अर्थात प्राण, मतलब प्राण का जो निष्क्रमण की, सॉरी प्राण की जो उपासना की थी वो किसके द्वारा किया है, इन्होंने वाक के द्वारा की, ओके,
ठीक है, वाक के द्वारा, मतलब बृहस्पति का तात्पर्य है कि वाक के द्वारा प्राण का उपासना करना, तो वह बृहस्पति नाम दिया गया। ठीक है। यस मैम। और दल ऋषि के पुत्र बक हुए थे, तो बक ने क्या किया, जब उन्होंने उद्गीत की उपासना की तो वो जो यज्ञ करने वाले जो ऋषि होते थे उनकी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो उद्गान करने लगे। अब इससे होता क्या है, यदि ये चार प्राण को उपासना की जाए या चार प्राण की उद्गीत के रूप में उपासना की जाए तो इसका फल क्या होता है, तो कामनाओं की पूर्ति, हमने पिछले भी पढ़ा था, आगे देखिए इसमें कुछ भी मिल रहा है ना, कहीं भी जहां भी फल हो रहा है तो सब में फल में क्या आ रहा है, कामनाओं की पूर्ति किया आया था। यहाँ पर क्या किया गया था, ओंकार सृजन, तो कहीं ना कहीं उद्गीत की उपासना कर रहा है उस व्यक्ति, तो उसको क्या मिल रहा है, कामनाओं की पूर्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि कामनाओं की पूर्ति कौन करता है, ओंकार। आध्यात्मिक शरीर की उपासना का वर्णन है, दो चीजें आती हैं यहाँ पर, आध्यात्मिक उपासना और आदि दैविक उपासना। तो जो प्राण की उपासना की गई थी वह आध्यात्मिक उपासना है, और इसके आगे हम पढ़ेंगे सूर्य की उपासना की गई है वह आदि दैविक उपासना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है ओमकार की, ये है आदि दैविक उपासना जो मैंने आपको बताया, वह सूर्य आदित्य के रूप में की गई है। ठीक है, तप शील आदित्य रूप में ओमकार उद्गीत की उपासना, जैसे शरीर मुख्य प्राण, ये क्यों नहीं चल रहा, शरीर मुख्य प्राण उद्गीत का प्रतीक है, वैसे ही ब्रह्मांड में सूर्य उद्गीत का प्रतीक है। मतलब यहाँ पे सूर्य की आदि दैविक जो उपासना बताई गई है, यहाँ पर जो सूर्य की तुलना की गई है वह किससे की गई है, उद्गीत से की गई है। और किससे कहा गया है कि जो आपका सूर्य है, सूर्य ही उद्गीत का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, तो यदि आप सूर्य की उद्गात उपासना करने की यहाँ बात की गई है, तो वह आप समझिए कि उद्गीत की ही उपासना करने की बात की गई है। और सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, तो वह आदित्य नाम से भी आ सकता है। ठीक है, कि सूर्य या तो आदित्य किसका प्रतीक है, तो उद्गीत का प्रतीक है। और यदि ऐसा यदि क्वेश्चन आएगा तो आपके उपनिषद का नाम भी लिख कर आएगा कि छंदोग उपनिषद में सूर्य का किसको प्रतीक बताया गया, या आदित्य को किसका प्रतीक बताया गया, तो उद्गीत का प्रतीक बताया गया। प्राण और सूर्य दोनों उष्ण है, उष्ण सूर्य दोनों उष्ण है, दोनों समान है, यहाँ पर है भी आएगा। ठीक है, दोनों उष्ण बताया गया है दोनों को, दोनों कहा गया दोनों एक समान है। अब यहाँ पर आता है प्राण का व्यान, व्यान को कहा गया है प्राण अपान की संधि, ये चीज याद रखिएगा कि व्यान को यहाँ क्या कहा गया है, तो व्यान क्या है, प्राण और अपान की संधि को व्यान कहा गया है। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को मैम, ये जो ऊपर की लाइन है कि शरीर में मुख्य प्राण उद्गीत का प्रतीक है, जो मुख्य प्राण है वो उद्गीत का प्रतीक है, और उसी तरह से ब्रह्मांड में सूर्य उद्गीत का प्रतीक है। अगर ब्रह्मांड का पूछा जाएगा तो हम सूर्य बताएंगे, मुख्य प्राण में जो है वो ओमकार। देखिए ऐसे आपको ना ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे पहली बार तो, ठीक है, क्योंकि उनके पास पूछने के लिए और भी चीजें, तो वो पजल वाली चीजें क्यों पूछेंगे, ये चीजें सिर्फ समझने के लिए बता दी गई हैं। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य उद्गीत का प्रतीक है ये बोल दिया गया, लेकिन ऐसे नहीं पूछेंगे। यदि वो पूछेंगे तो सीधा सीधा ओंकार की आदि दैविक उपासना किसके रूप में की गई है। मैम जैसे एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट अभी पेपर देखा था, उसमें था कि जैसे उद्गीत क्या है, तो उद्गीत प्रणव है, उसका आंसर यही होगा ना, उद्गीत प्रणव है, ओंकार है, या ऐसा कुछ। हाँ प्रणव है, और वो क्वेश्चन ये है इसका जो पंचम खंड है छंदोग उपनिषद का, वहां पर उद्गीत को प्रणव भी कहा गया है। ठीक है, तो छंदोग उपनिषद में यदि पूछा जाता है कि उद्गीत का अर्थ क्या है, तो प्रणव भी आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आता है कि बोला गया है वही प्रणव है, जो वाणी है वही ऋख है, जो ऋख है वही साम है, जो साम है वही उद्गीत है, और जो उद्गीत है वही प्रणव है। तो ये आगे चल करके बीच में उपनिषद में एक लाइन आती है कि वही प्रणव है अर्थात उद्गीत ही प्रणव है, तो ये छंदोग उपनिषद से ही लिया गया है। तो आप यदि छंदोग उपनिषद का लिखकर आ रहा है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा, प्राण और अपान की संधि किसे कहा गया है, तो व्यान को कहा गया है। और ये वर्णन आपका त्रिशिखो ब्राह्मण में भी आता है, आपने देखा होगा यदि, कि प्राण और अपान की संधि को क्या कहते हैं, तो व्यान कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि व्यान नामक शरीरस्थ प्राण रूप में ही उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। ठीक है,
व्यान, याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है आपसे, शरीरस्थ प्राण रूप में उद्गीत की उपासना कब करना चाहिए, तो व्यान नामक शरीरस्थ प्राण में, ठीक है, कि जब शरीरस्थ जो प्राण आपको यहाँ पर लिया गया, ना तो अपान लिया गया ना प्राण लिया गया, कुछ भी नहीं, व्यान लिया गया, तो स्पेशली व्यान को यहाँ बोला गया है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। मेन जो है आपका इम्पोर्टेंट इसका ये क्यों नहीं चल रहा है मैम? आपने भी बताना ये प्राण और अपान की संधि को व्यान कहते हैं, ये दूसरे की उपनिषद में बताया कि ऐसे सेम है, ये इसी थी ब्राह्मण उपनिषद में। थैंक यू मैम। एक लाइन आती है उसमें, प्राण और अपान की संधि को क्या कहते हैं, व्यान, तो छंदों की उपनिषद और त्रिशिक, कभी भी दोनों उपनिषद मिक्स करके नहीं आते हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं। योग उपनिषद के क्वेश्चन आए, हमेशा इंडिविजुअल आते हैं और इसके क्वेश्चन इंडिविजुअल आते हैं, तो इस चीज में बिल्कुल निस्फिक्र रहिएगा कि मिला कर देंगे, ठीक है। उद्गीत शब्द का अर्थ, ये मेन इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िए। उत, उत का तात्पर्य है यहाँ उठना, गीत का तात्पर्य है गिर, था का तात्पर्य है स्थिर या थमना, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे आ सकता है, उठना गिरना और थमना, ये तीन अर्थ दिए गए हैं, आपको उत दे दिया जाएगा और उत में से ये चारों ऑप्शन होंगे, और हो सकता है ये तीन ऑप्शन हो और एक ऑप्शन ये दे दिया जाए, तो उत में क्या क्या है, प्राण, धाव, यहाँ पर ये धाव ये वाला है, ठीक है, धाव का तात्पर्य है स्वर्ग, आदित्य और साम, यहाँ पर गिर, गी का तात्पर्य है गिर, वाणी, अंतरिक्ष, वायु और यजु, था का तात्पर्य है अन्न, पृथ्वी, अग्नि, रेत। अब यहाँ पर ऐसे यदि आपको याद ना हो तो ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्राण, वाणी, अन्न, स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी, धो, अंतरिक्ष और पृथ्वी, आदित्य, वायु और अग्नि, साम, यजु और रेत, ठीक है। अब जैसे इसमें थोड़ा सा ना उल्टा दिया हुआ है कि ऋग हम पहले हमेशा पढ़ते, तो आप इसको पीछे से भी, जैसे मैंने यहां से याद किया था ऋग, यजु, साम, उल्टा याद किया था मैंने, अन्न, वाणी, प्राण, ऐसे याद किया था, पृथ्वी, अंतरिक्ष, धौ, क्योंकि पृथ्वी हम पहले पढ़ते हैं बाकी उपनिषद में, अंतरिक्ष फिर धौ पढ़ते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, ये मुझे लगता है शायद इसमें आता है, ध्यान बिंदु उपनिषद में आता है ना, एक टेबल दी गई है वहां पर, ऋग, यजु, साम, अग्नि, वायु, आदित्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष, धौ, अन्न, वाणी, प्राण, ठीक है, तो आप इसको उल्टा भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको याद रहे, मैंने उल्टा याद किया था क्योंकि वो एक सिक्वेंस बना रहता है इससे, और आपको जैसा सुटेबल लगे, लेकिन ये याद करना पड़ेगा, इसका कुछ भी शॉर्टकट नहीं है कि कुछ शॉर्टकट हो, ठीक है, या तो आप इससे भी याद कर सकते हो कि उठना प्राण का ही क्या होता है, उत्क्रमण होता है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ उद्गीत के तीन अर्थ बताए गए हैं, इनमें से प्रश्न जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है उद्गीत लिखा हो, उद्गीत के गी अर्थ का, गी शब्द का अर्थ क्या है, और इन तीन को दे दिया गया, और या तो चारों दे दिए गए, ठीक है, और ऑप्शन में दे दिया गया ए बी, और ये दो में दो ये दे दिए गए, दो तीन ये दे दिए गए, इस प्रकार से दे दिए गए, और ए बी, बी सी, सी डी, इस प्रकार से जो ऑप्शन रहते हैं, तो ऐसे भी दिया जा सकता है, तो ये चीज आप अच्छे से पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी, ज्यादा चीजें इसमें नहीं है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आप देखेंगे शांडिल विद्या, शांडिल विद्या में कहा गया सर इधर लास्ट स्लाइड दिखाना, ये स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। हाँ थैंक यू मैम। ओके नेक्स्ट है शांडिल विद्या, शांडिल विद्या में सर खलिद्वम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासिते, ये लाइन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, सर्व खलिद्वम ब्रह्म, संपूर्ण जगत निश्चय ही ब्रह्म रूप है, वह ब्रह्म ज्योति ही ब्रह्म है, उसकी जलान मानकर उपासना करनी चाहिए, मतलब अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्रह्म को क्या कहा गया है, जलान, छंदोग उपनिषद में ब्रह्म का नाम जलान है, आप देखेंगे केन उपनिषद में क्या कहा गया है, तद्वन कहा गया है, ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए छंदोग उपनिषद में ब्रह्म को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो जलान नाम से, क्योंकि कहा गया है कि सर खलित्वम ब्रह्म तत् जलानीति शांता, वह संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण जगत निश्चय ही ब्रह्म रूप है, और उस ब्रह्म की जलान मानकर उपासना करनी चाहिए कि वह जलान है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी उपासना करनी चाहिए,
यहाँ पर आप देखेंगे अथ खलु क्रतु में कहा गया कि वह कर्म करने योग है, उसकी उपासना करनी चाहिए। तो कहा कि उपासना तक सीमित रखते हैं, उपासना करने के साथ साथ क्रतु, क्रतु में अर्थात कर्म करने, तो उपासना तक सीमित ना करके कर्म करें क्योंकि वह क्रतुमय है। इसका देखिए निवास स्थान में बताया गया कि वह हृदय गुहा में रहता है। तीन चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वन टू और थ्री। ये सीधा सीधा अर्थ पूछा जा सकता है, सर्व खलिद्वम ब्रह्म तज्जलानीति, या तो पूछा जा सकता है जलान से किसका तात्पर्य है, यह तो पूछा जा सकता है कि शांडिल्य विद्या के अंतर्गत जो जलान की उपासना होती है, ठीक है, उसका क्या तात्पर्य है, या कुछ भी आ सकते हैं, ऑप्शन आ सकते हैं ना, इन्हीं से रिलेटेड आएंगे जो भी आएंगे। एक शांडिल्य विद्या जलान आ सकता है, या तो सर्व खलिद्वम ब्रह्म सीधा लाइन दी जा सकती है। दूसरा अथ खलु क्रतु में कर्म करने योग कौन है, तो यहाँ पर ईश्वर की उपासना करने की बात की गई है और ईश्वर को ही कहा गया है कि वह कर्म करने योग्य है। उसका निवास स्थान क्या बताया गया है, तो हृदय गुहा बताया गया। अब यहाँ पर बताया गया मनुष्य जीवन आयु का स्वरूप बताया गया कि मनुष्य जीवन आयु किस प्रकार से है। तो हम 100 वर्ष की आयु जानते थे पहले, देखिए छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि मनुष्य की जो आयु है 116 वर्ष की है, ठीक है। पहला बताया गया प्रातः सवन, कहा गया कि प्रातः सवन 24 वर्ष की, ठीक है, इसको गायत्री छंद से तुलना की गई है। अब इनका मुझे नहीं पता कि गायत्री छंद क्यों कहा गया है, लेकिन हाँ एक चीज बस पता है कि गायत्री छंद में आप देखेंगे 24 मात्राएं होती ना, ठीक है, तो उससे तुलना की गई है या क्या हुआ है आई डोंट नो। सिर्फ मंत्र में सीधा सीधा लिखा है प्रातः सवन, जो उसकी प्रथम आयु है उसके लिए कहा गया कि वह 24 वर्ष की है। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने ऐसे जैसे हमने किया था 25-25 करके भी चार आयु डिवाइड करते हैं, तो वैसे भी ले सकते हैं। तो इसके लिए प्रथम आयु कहा गया कि वह गायत्री छंद की उपासना करनी चाहिए प्रथम आयु में, और वह 24 वर्ष का। माध्यायन सवन कहा गया 44 वर्ष का, और यहाँ पे त्रिष्टुप छंद की उपासना करने के लिए कहा गया है। तृतीय सवन में 48, जगती छंद, और कुल आयु जो बताई गई है कितनी बताई गई है 116 वर्ष। तो ये चीज याद रखिएगा, ये भी याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। प्रातः सवन में कितनी आयु बताई गई है, छंद कौन सा बताया गया, मध्य सवन में कितनी आयु और कितने छंद, तृतीय सवन में कितनी आयु और कितने छंद, तो ये तीनों चीजें को याद करना है। और टोटल आयु क्या बताई गई है छंदों के उपनिषद में, तो 116 बताई गई है मनुष्य की जीवन आयु। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे धर्म के तीन स्कंद बताए गए हैं, यज्ञ अध्ययन और दान प्रथम स्कंद है, तप को दूसरा स्कंद कहा गया, तितिक्षा को तीसरा स्कंद कहा गया। तो ये तीन चीज याद रखना है, यज्ञ तप और तितिक्षा, यज्ञ तप और तितिक्षा। यज्ञ के साथ साथ क्या आता है, यज्ञ अध्ययन मतलब वेदों का अध्ययन और दान करना, ठीक है। तो ज्ञान का दान भी यहाँ हो सकता है कि यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना और दान करना, तप करना, तितिक्षा करना, ये दो चीजें बताई गई हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है सर्व तत्सम आत्मा तत्त्वमसि, तत्त्वमसि सुना होगा ना आप सभी ने, तत्त्वमसि। तो ये तत्त्वमसि किससे लिया गया है, ये छंदोग्य उपनिषद से। एक और आता है आहार शुद्धो सत्य शुद्धि सत्य शुद्धो ध्रुव स्मृति, कहा गया कि आहार की शुद्धि से सत्य की शुद्धि होती है, सत्य की शुद्धि से ध्रुव की स्मृति होती है। तो ये लाइन भी आपसे सीधी सीधी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर दो ये और आपका दो ये चार चीजें आपको याद रखनी है एज इट इज संस्कृत में, ठीक है। यहाँ एक कहानी आती है सत्यकाम और जबाला की, इसमें और भी बहुत सारी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। सत्यकाम जबाला की इसीलिए आती है, जो जबाला थे इनकी माता का नाम जो था, इनके पिता नहीं थे और इन्होंने अपनी माता के नाम पर ही अपना नाम रखा हुआ था। तो इस प्रकार से जब वो ऋषि के पास जाते हैं तो बोलते हैं, गौतम ऋषि ने कहा कि ज्ञान देने से पहले उन्हें एक टारगेट देते हैं और वहां उन्होंने सार गांव की जो है 400 गाय दे देते हैं, कहते मैं आप लोगों को 400 गाय देता हूँ, और कहा कि इसकी डबल करके लाना है। इस प्रकार से वो कुछ उनके सामने टारगेट रखते हैं कि आपको ये कंप्लीट करना है। तो 400 गाय दी और कहा 1000 गाय जब तक ना हो जाए तब तक वापस नहीं आना, जब 1000 गाय हो जाएंगी उसके बाद ही ज्ञान देंगे। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि 400 गाय, ये गाय है,
400 गाय दी थी और 1000 गाय करके लाने के लिए वापस बोला था कि इन 400 गाय से आपको 1000 गाय करना है और वापस आना है। तो यहाँ पर ये चार जो वृषभ हुए हैं, वृषभ ने बताया कि जो गाय का पहला पैर है उसको क्या कहा गया, चार दिशा है। अग्नि ने कहा दूसरा पैर है जो पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूलोक है। तीसरे पैर को अग्नि, सूर्य और चंद्रमा से तुलना की गई है। मृत्यु ने कहा कि चतुर्थ पैर जो है प्राण और चक्षु श्रोत है। तो इस प्रकार से ये चार लोगों ने उस गाय के एक एक पैर की तुलना भी की है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सत्यकाम जबाला और हरिदुम गौतम ऋषि का जो संवाद है एक फेमस संवाद है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये पूछा जा सकता है कि सत्यकाम जबाला का गाँव वाला संवाद किस में आता है, उपनिषद का नाम पूछ लिया गया। ठीक है, वैसे इतना पजल तो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता ये आएगा। ये दो चीजें याद रख लेना, तत्त्वमसि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, धर्म के तीन स्कंद, और आपका ये सर्वखलित्वम् ब्रह्म, और जलान मानकर उसकी उपासना करना, वह कर्म करने योग्य अर्थात अथ खलु क्रतु में। मनुष्य जीवन की जो तीन आयु बताई गई है ये, इसके बाद यहाँ देखेंगे तो उद्गीत का अर्थ इसको पढ़ना है आपको अच्छे से। प्राण और अपान की संधि व्यान है। ओमकार की आदि दैविक उपासना सूर है और अध्यात्मिक उपासना प्राण है। प्राण रूप में किसने की, ये चार ऋषियों ने की। तो इसीलिए मुख्य प्राण के जो चार प्रकार के हैं इनके नाम याद रखना है। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि किस ऋषि ने किसकी उपासना की थी। यहाँ पर उद्गीत की उपासना में बताया गया है कि मुख्य जो प्राण थे उससे ही दुष्टों का या असुरों का नाश होता है, असुर पराजित होते हैं। त्रय विद्या क्या क्या बताई गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और यहाँ पर कहा गया कि ओमकार का सृजन किससे होता है, तो वाणी और प्राण से होता है, फल संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति। ओमकार उपासना का विस्तृत वर्णन यहाँ पर कहा गया, तो यहाँ कहा गया आठवां सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम रस किसे कहा गया है, उद्गीत को कहा गया है। बाकी किसरे किसकी उत्पत्ति होती है या किसका सार है, ये चीजें बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ब्राह्मण के आठवें अध्याय जो है आपका छंदोग्य उपनिषद है। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, जी मैम आवाज आ रही है। अब मैम आपने जो बताया तीन ऋषियों का संवाद कहने है, अभी याद नहीं आ रहा, तो वो कौन से खंड में, सिर्फ वो मैम आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रहा। ओके, 1 मिनट बताती हूँ आपको। हाँ अनुराधा, हेलो। मैम जो धर्म के स्कंद बताए गए हैं वो कौन से खंड में है? हेलो मैम, तीन स्कंद जो बताए धर्म के, और शांडिल्य विद्या में है। ये अच्छा, मैम जो बृहस्पति और उद्गीत का क्या मतलब रिलेशन है मैम? हेलो मेरा आवाज आ रही है? मैम बोल रहे हैं, थोड़े दो रुक के। मैम कॉल पे गए। मैम यहाँ पे आवाज आ जो रही? बृहस्पति, हाँ, क्या बृहस्पति? क्या पूछना है इसमें? बृहस्पति और उद्गीत का क्या मतलब रिलेशन है इसमें ये प्राण का? बृहस्पति देव को बोला गया है यहाँ पर। उन्होंने बताया कि ये उपासना कर रहे हैं इसकी, मतलब जैसे आपका नाम हुआ, ठीक है, पहले क्या था, प्राण की उन्होंने उपासना की,
अंगिरा ऋषि ने उपासना की तो उसका नाम प्राण का अंगिरस रख दिया। बृहस्पति ने उपासना की तो बृहस्पति रख दिया। आयास ऋषि ने उपासना की तो आयास रख दिया। बक ने उपासना की तो बक रख दिया। तो इस प्रकार से ऋषियों के नाम पर प्राण के नाम यहाँ पर रखे गए हैं कि जिसने जिसकी उपासना की उसके नाम पर रख दिया। ठीक है ठीक है कि और कोई डाउट है? तैतरीय बच्चा है ना हम तैतरीय बच्चा यस 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 तैतरीय में स्टार्ट कर सवाल अगर पूछेंगे तो परसों ये है हम लोग सवाल पूछेंगे तो खत्म ही नहीं होगा ऐसा। एक बात समझिए मेरी, उलझने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए इधर। तो इधर सिर्फ क्या करिए, तैतरीय उपनिषद अभी पढ़ाऊंगी, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक, ये ऐसे उपनिषद है ना कि आप समझने बैठेंगे तो कई साल लग जाएंगे। आपको समझना है तो एग्जाम के बाद समझिएगा तो अच्छा रहेगा। मतलब समझना जरूरी है लेकिन एग्जाम के पर्पज से सिर्फ अभी पढ़ना जरूरी है, पढ़कर और याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ मत करना। ये मतलब क्योंकि थोड़े से पजल वाले उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैतरीय उपनिषद। ठीक है तो अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट उपनिषद स्टार्ट कर रही हूँ, तैतरीय उपनिषद। तैतरीय उपनिषद पिछले साल जो मैंने पढ़ाया था उसी में से किसी बच्चे ने नोट्स बनाया है, उसी के नोट्स से पढ़ाऊंगी। ठीक है क्योंकि मेरी पीपीटी नहीं बन पाई है। प्रेजेंट हो रहा है? यस मैम। ओके ठीक है, तो मैंने पीपीटी नहीं बनाई है तो ये मेरे ही नोट्स है, मैंने जो पढ़ाए तो उसी से किसी ने बनाया है, जिसने भी बनाया है, मानसी, क्या नाम लिखा है, मानसी, मानसी जी ने शायद, इन्होंने पढ़ाया था पिछले बार तो इन्होंने। ठीक है तो उसी से पढ़ाऊंगी। चलिए तैतरीय उपनिषद स्टार्ट करते हैं हम। तैतरीय उपनिषद का जो विषय है क्या है, पंचकोश और तीन वल्लियां बताई गई हैं। एक मिनट रुकिए, मैम वॉइस नहीं आ रही है। मैम म्यूट है। वॉइस नहीं आई अभी तक जो भी बताया मैंने। मैम म्यूट हो आप। नो मैम कुछ भी नहीं सुना। ओके सॉरी 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 सॉरी। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बताया था पंचकोश। ये पंचकोश और तीन वल्ली इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय शाखा से लिया गया है।
और इसमें क्या कहा गया, तैतरीय आरण्यक के एक भाग आरण्य के 10 अध्यायों में से 7, 8 और 9वें अध्याय। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है तैतरीय आरण्यक के 10 अध्यायों में से किन अध्यायों का नाम तैतरीय उपनिषद है, तो 7, 8 और 9वें अध्याय का। वल्लियां कितनी है, 3 वल्लियां। मैं सिर्फ वही चीजें आपको बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उन्हीं में आपको ध्यान देना है। पहली वल्ली क्या है, शिक्षा वल्ली, दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरा भृगु वल्ली। आपका यहाँ पर मंत्र और अनुवाक इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़ना। यहाँ पर है शिक्षा वल्ली। शिक्षा वल्ली में क्या है, महासंहिताएं बताई गई हैं 5, उनके फल बताए गए हैं, ओमकार और व्यक्तियां बताई गई हैं, सदाचार विचार आचार की महत्ता और बोध बताया गया है। फिर है ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में क्या बताया गया, शरीर से परमात्मा का स्थान, पंचकोश वर्णन, परमात्मा के आनंद स्वरूप का वर्णन बताया गया है, ठीक है। भृगु वल्ली में क्या बताया गया, भृगु की ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व ज्ञान की तपश्चर्या द्वारा अनुभव और अन्य का वर्णन, ठीक है। तो आप यदि देखेंगे 5 महासंहिताओं का वर्णन किस में मिलता है, शिक्षा वल्ली में, ओंकार और व्यक्तियां, सदाचार आचार विचार, और यहाँ पर परमात्मा पंचकोश का वर्णन किस वल्ली में मिलता है ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ब्रह्मानंद वल्ली में। और आपका भृगु की ब्रह्म जिज्ञासा और तत्व ज्ञान की तपश्चर्या किस में है, तो भृगु वल्ली में। ये 3 चीजें हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा वल्ली। शिक्षा वल्ली में बताया गया है ब्रह्म का स्मरण, ईश्वर का स्मरण, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम। मेन ये है शिक्षा वल्ली में, ये याद रखिएगा, ऋतम सत्यम, सत्यम ब्रह्म, और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, शिक्षा की सार वस्तु है। शिक्षा की सार वस्तुएं कौन कौन सी है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि, ठीक है। ये याद रखना है एज इट इज, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा की सार वस्तुएं कौन कौन सी है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि। वर्ण का तात्पर्य क्या है, तो जो हम आ आ आदि उ ए जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये वर्ण है। और स्वर, स्वर 3 प्रकार के बताए गए हैं, उद्गात, अनुद्वात और स्वरित। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये उपनिषद में इसका वर्णन नहीं आता। मैंने वो एक समझने के लिए मैंने इनका लिख लिया था कि इनका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो स्वर किस प्रकार से उच्चारित किए जाते हैं, एक तो ऊंचा स्वर होता है उसे कहते हैं उद्गार, और एक अधोगामी जो बहुत धीरे बोलता है उसे क्या कह देते हैं, अनुद्वात, और स्वरित जो समभाव से बोलता है, ठीक है, तो वहां पे स्वरित स्वर। मात्रा, 3 मात्राएं दी गई हैं, हर्ष, दीर्घ, यहाँ पे ये दीर्घ है, दीर्घ नहीं है, दीर्घ, दीर्घ और प्लुत, यहाँ पे 3 मात्राएं दी गई हैं। बल, वर्णोच्चारण में लगने वाली जो प्राण शक्ति है, जो बल का हम प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द को उच्चारण करने में, उसको बल कहा जाता है। साम होता है मध्यम वृत्ति से, सम वृत्ति से उच्चारण करते हैं जब। और संधि किसे कहा जाता है, कि 2 शब्दों का जब मिलन होता है उसे संधि कहा जाता है, ठीक है, जैसे प्रा और रा, तो हम इसको बोल दिया हमने कि प्राण, तो यहाँ पे 2 शब्दों की संधि होकर के क्या बन गया, प्राण बन गया। इस प्रकार से ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या शिक्षा की सार वस्तुएं कौन कौन सी हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संधि। सीधा सीधा यही प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो यह आ सकता है शिक्षा की सार वस्तुओं में से कौन सी नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया, 5 में संधि की जगह यहाँ पर हो सकता है कुछ और दे दिया जाए, या तो साम की जगह कुछ और दे दिया जाए, तो इस प्रकार से आपको उत्तर करना है। अब यहाँ पर 5 महासंहिताएं दी गई, शिक्षा की सार वस्तुएं यहाँ पर है 5 महासंहिता, 5 महासंहिता अधिकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद, अधिप्रग और अध्यात। यहाँ पर लोक आप यदि वैसे याद करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लोक, ज्योतिष, विद्या, प्रज्ञा और अध्यात, और इसमें अधि लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसे पंच अधिकरण भी कहा जाता है और पंच महासंहिताएं भी कही जाती है। तो अधिलोक,
आधि ज्योतिष, आधि विद्या, आधि प्रज्ञ और अध्यात्म, सीधा सीधा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये भी याद करने वाला है कि पांच महासहिताओं का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, या तो फिर आपको ये पांच महासहिताओं के नाम दे दिए जाएंगे। अब इनसे पांच महासहिताओं पे डिवीजन किए गए हैं, इनको बताया गया है एक दिशा के रूप में यदि देखा जाए लिया गया, तो किस प्रकार से लिया गया, इसका रूप, रूप का तात्पर्य वर्ण भी होता है, यहाँ वर्ण भी आप लिख सकते हो यदि लिखना हो तो, ठीक है। वर्ण की बात की गई है कि किस वर्ण का, तो यहाँ पे वर्ण और विभाग किए गए हैं। तो वर्ण में क्या क्या, पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि और संधान, ठीक है, चार चीजें ली गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले लोक, लोक के लिए कहा गया, लोक का जो पूर्व रूप है वो क्या है, पृथ्वी है। उत्तर का जो है द्यो, यहाँ पे धौ है, ये धौ, इसका ये धौ होगा, ये धौ लिखा है इन्होंने, ठीक है, ये वाला, ये धौ। और आकाश क्या है, संधि है। वायु क्या है, संधान है। यहाँ पर ज्योतिष है, ज्योतिष के लिए पूर्व रूप अग्नि है, उत्तर रूप सूर्य है, संधि जल है, बिजली संधान है। विद्या आप देखेंगे, विद्या में क्या आते हैं, आचार्य, आचार्य क्या कहा गया है इनको, पूर्व रूप कहा गया है आचार्य को। शिष्य को कहा गया है उत्तर रूप, तो आचार्य शिष्य को क्या कहा गया है, उत्तर रूप। शिष्य को यहाँ पर आप अंतेवासिन भी लिख सकते हैं, अंतेवासिन भी बोलते हैं यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ, अंतेवासन, ठीक है। तो अंतेवासन वैसे शिष्य लिखकर ही आएगा, लेकिन लिख दिया क्योंकि यहाँ पे संस्कृत में दिया हुआ था। और विद्या प्रवचन, विद्या को क्या कहा गया कि संधि है, और प्रवचन क्या है, संधान है। अब यहाँ पर प्रजा की बात की गई है, प्रजा में पूर्व रूप क्या है, माता है, उत्तर रूप पिता है। संतान, संतान को क्या बोला जाता है, प्रजा। जैसे आप देखेंगे प्राण प्रश्न उपनिषद में हमने पढ़ा था ना कि प्रजा की उत्पत्ति किससे हुई, अर्थात संतान की उत्पत्ति किससे हुई, तो प्राण और रई से। तो इसी प्रकार यहाँ पर संतान को क्या कहा गया, प्रजा। और प्रजनन कर्म, अध्यात्म, अध्यात्म में कहा गया है कि पूर्व रूप उत्तर हन, अधर हनु, हनु का तात्पर्य होता है जय। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी, मैम वॉइस नहीं आ रही है। उत्पत्ति होती है, तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। माता पिता से आप देख सकते हैं, आवाज ही नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही, अभी आ रही, बीच में कुछ भी नहीं आ रही, वो नेटवर्क चले जा रहे हैं बीच में, ठीक है। यहाँ पर अधर हनु, अधर हनु जबड़ा, ये तो समझ लिया था ना, जितना हेलो मैम, कैसे फिर डीपली से ऐसे आ सकता है सबके नाम और सारी चीजें। अब आ रही है बस जी मैम, ये क्या हो गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर ये पूरा तो समझ आ गया था ना, कहाँ से ही सुना है ये बता दीजिए, सभी को सुनाई दिया है, पूरा ही नहीं सुनाई दिया,
लास्ट कॉलम जो है वो नहीं समझ में आया, बता दिया करो जब नहीं सुनाई दिया करे तो, ठीक है चलिए। तो यहाँ पर लास्ट वाला है अध्यात्म, अधर हनु, अधर हनु अर्थात जबड़े के लिए बोला गया है अधर हनु, हनु का तात्पर्य होता है जबड़ा, अधर हनु अर्थात नीचे वाला जबड़ा, उत्तर हनु अर्थात ऊपर वाला जबड़ा, वाक वाणी और जीवा, तो अध्यात्म की तुलना इससे की गई है। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि जैसे लिखा गया प्रजा, प्रजा का संधि रूप किसे कहा गया है, तो संतान को, या तो प्रश्न आ सकते हैं अध्यात्म का संधि रूप किसे कहा गया है, वाक को, तो इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं, या तो आपको मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि पूर्व रूप उत्तर रूप संधि संधान दे दिया, इनमें से किसी एक का दे दिया, कि विद्या का दे दिया, विद्या में आचार शिष्य विद्या और प्रवचन ये क्या है, संधि रूप कौन सा है, संधान कौन सा है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर करने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे फल क्या प्राप्त होती है, तो एक तो पांच संहिताओं को जानने वाला जो पुरुष है उससे प्रजा पशुधन ब्रह्म तेज अन्न आदि भोज पदार्थ व स्वर्ग आदि से संपन्न हो जाता है, ठीक है, जो इन पांच महासंहिताओं को जानता है उनके लिए कहा गया है। पहले पांच क्या दी गई थी, छह क्या दी गई थी, छह शिक्षा की सार वस्तुएं दी गई है, ये चीजें याद रखनी इनके नाम, फिर दिया गया है पांच महासंहिताएं, पांच महासंहिताओं के नाम याद रखने हैं आपको, और पांच महासंहिताओं को किस प्रकार से डिवाइड किया है पूर्व रूप उत्तर रूप संधि संधान में, तो ये बताना है। इसका फल क्या दिया गया है, तो प्रजा पशुधन ब्रह्म तेज अन्न आदि भोज पदार्थ स्वर्ग आदि से संपन्न हो जाता है। चार व्यक्ति हैं, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया भी था, प्रश्न कहाँ से आया था आपका, ये आया था, ये मह किसे कौन सी बहती है, मह में कौन सी बहती आती है, तो ये सब ऑप्शन कुछ दिए हुए थे और अन्य भी दिया हुआ था, तो अन्य उसका सही आंसर था कि मह बहती के अंतर्गत क्या आता है, अन्न आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपासना और रहस्य फल बताया गया, भू भूवा स्व मह, ये चार आपकी बहतियां दी गई हैं और चार बहतियों को, इनका तो आपको पता है भू को भू लोग पृथ्वी लोग बोलते हैं, भूवा को अंतरिक्ष और स्वा को स्वर्ग लोग बोलते हैं, और मह का यहाँ पर दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, मह इसको सर्वप्रथम महाचमस ऋषि के पुत्र जो थे महाचमस ने जाना था, इसीलिए इसका नाम मह रखा गया था, ठीक है, सर्वप्रथम किसने जाना था इनको, तो महाचमस के पुत्र ने जाना था। इनमें आपको क्या याद रखना है, लोक देवता वेद और प्राण दिए, जैसे भू, भू का लोक क्या है पृथ्वी, देवता क्या है अग्नि, वेद क्या है रेत, प्राण क्या है, तो प्राण ही कहा गया है। भूवा को कहा गया है, यहाँ पर ऋच ऋक भी लिख सकते हो प्राण के लिए, जैसे हम उसमें लिखते हैं, हाँ लिखा है वैसे, चलिए भू को, भूवा को अंतरिक्ष वायु, ये वायु वायु साम और अपान, तो इस प्रकार से देवता लोक और वेद ये चार लिए गए हैं। स्वर्ग का लोक क्या है, स्व का लोक क्या है, तो स्वर्ग धूलोक भी कहा जाता है, आदित्य, आदित्य से तात्पर्य क्या है सूर्य, ठीक है, यजु, यजु और ये क्या है, ये मंत्र का गायन करना है ना, तो यजु मंत्र, और व्यान क्या है प्राण। मह देखा जाए यदि, मह में लोक क्या है आदित्य है, चंद्रमा क्या है देवता है, ब्रह्म अर्थात अथर्व को वेद कहा गया है, और अन्न को यहाँ पर प्राण कहा गया है, ठीक है। कुछ पूछना तो नहीं इसमें से, ये याद करना है आपको, मह का आदित्य चंद्रमा ब्रह्म या अथर्व अन्न, स्व का स्वर्ग आदित्य या जुव्यान, भू का अंतरिक्ष वायु साम और अपान, भूवा का पृथ्वी अग्नि ऋग और प्राण, ये लोक देवता वेद और प्राण, इनमें से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको कि स्व के देवता क्या है, स्व का वेद क्या है, या स्व का प्राण क्या है, इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं यदि इस सीक्वेंस में रखना है, पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग और आदित्य। इसके ऊपर की स्लाइड दिखा दो, आदित्य भूवा स्व वाली, क्या ऊपर की मैम स्लाइड, जैसे इसमें कहां से क्या लोक है,
ऊपर वाली, ये लोक आपको यहाँ दिया है ना, आप वहां मत देखिए, उससे क्या मतलब, ये आपको दिया है लोक में ही आपको दे दिया गया है। भू को पृथ्वी लोक कहा जाता है, भू को आंतरिक, स्वा को सर, मह को आदित्य। मह में बस एक चीज विशेषता है कि मह को महाचमस के पुत्र ने जाना था, इसीलिए इसका नाम मह पड़ा था, ठीक है, इस लोक का। और वेद आपका ऋग्वेद, यजु, साम, और यहाँ पर लास्ट का ब्रह्म। और ये सामवेद की जगह यजुर्वेद आएगा? नहीं नहीं वो वही रहेगा, साम ही बोला गया है यहाँ पर। आप सीक्वेंस चेंज मत करना, ये आप सोच रहे होंगे ना कि ऋग या जो साम आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऋग ही है और ये साम ही है और यहाँ यजु ही है, ठीक है। ठीक है, मह को क्या कहा गया है, मह को ब्रह्म कहा गया है, वही वेदों का परम लक्ष्य। यहाँ पर आप देखेंगे त्रिविध ताप, तीन तापों की बात की गई है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीन तापों का वर्णन कहाँ मिलता है, तैतृय उपनिषद में, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन ताप, ठीक है। टोटल वहतियां इनको कितनी बोलेंगे, यदि ये आप देखेंगे चार वहती हैं, ये चार वहतियां हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, और चार के भी इनको क्या किया गया है, लोक बताया गया, तो टोटल ये जो आती है 16 आती है। आप देखेंगे इनको काउंट करेंगे तो टोटल जो वहतियां हैं इनका 16 है, ठीक है। लेकिन आपको मेन चार याद रखना है, इनके क्या है, एक मिनट रुकना, हेलो मैं क्लास ले रही हूँ, भी लगाती हूँ। हेलो आवाज आ रही है, ओके ठीक है। नेक्स्ट है आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ठीक है। ये तीन लोकों की यहाँ पर बात की गई है। आदि दैविक में कहा गया है जो हृदय परम पुरुष, हृदय के मध्य सहस्रार और ब्रह्मरंध्र की बात की गई है, शीर्ष कपाल के भेदन और इंद्रिय सुषुम्ना नाड़ी। अब ये याद करने वाला नहीं है, आपको याद नहीं करना है। लोकों की पंक्तियां आदि भौतिक में बताई गई हैं, ज्योति श्रृंखला और काया संबंधित। आध्यात्मिक में देखेंगे प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रियां, धातु समूह बताए गए हैं। ये देखना है आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये लोकों की पंक्तियां ये देख लीजिएगा कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूलोक, दिशाएं और अवंतर दिशाएं जो है लोकों की पंक्तियां हैं। ज्योति जो बताई गई है, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये सब पांच पांच चीजें बताई गई है, ठीक है। काया संबंधी यदि हम देखेंगे तो क्या क्या है, जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा। प्राण समूह संबंधी प्राण, व्यान, अपान अर्थात प्राण के पांच प्रकार बताए गए हैं। ज्ञानेन्द्रियों में ज्ञानेन्द्रिया और धातु समूह में जो धातुएं हैं, कितनी धातुएं हैं बताइए, आपने आयुर्वेद में पढ़ा होगा, सात, 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 ठीक। तो यहाँ पर धातुएं बताई गई हैं, चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा। यहाँ पर आप देखेंगे जो काया संबंधी है, इसको स्थूल पंक्तियां भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। यहाँ पर एक और ऐड कर लीजिए, प्रतिष्ठित अंत काल में, जैसे धातु समूह है इसके आगे यहाँ पर एक चीज और लिखिए, प्रतिष्ठित अंत काल में, प्रतिष्ठित अंत काल में क्या क्या प्रतिष्ठित होता है, तो चार लोकों की बात की गई है, भू, भुवा, स्वाहा और मह। तो कहा प्रतिष्ठित अंत काल में ये चार जो लोक हैं, ये चार लोक भी प्रतिष्ठित होते हैं, ठीक है।
अब यहाँ हम देखेंगे ओम की महिमा। ओम की महिमा बताया गया है, ओम ही ब्रह्म है, प्रत्यक्ष जगत प्रारंभ और समागम, शास्त्र मंत्र का उच्चारण, अग्निहोत्र अध्ययन सभी ओम है। क्योंकि शास्त्र मंत्र जब हम करते हैं तो मंत्रों के प्रथम में ओम लगाते हैं, अग्निहोत्र जब करते हैं वेदों का या किसी भी जो वेद हैं या तो आपके धार्मिक ग्रंथ कहे गए हैं, सभी में आप देखेंगे जब भी उच्चारण शुरू करते हैं तो ओम से ही करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति भी ओम है। ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया के लिए बता दिए। ठीक है, शास्त्र अध्ययन व प्रवचन अनुष्ठान किए जाने योग्य है। क्या ओम की ही बात की जा रही है कि शास्त्र अध्ययन और प्रवचन में अनुष्ठान जो किया जाता है ओंकार का। फिर कहा गया अर्थात स्वाध्याय, सीखना, प्रवचन अध्यापन पढ़ाना सदा करते रहना, इसकी श्रेष्ठता बताई गई। ये बताने वाले तीन ऋषि हैं। अब कौन कौन से तीन ऋषि हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, मेन यहाँ पर है इम्पोर्टेंट चीज है तीन ऋषि। पहले थे सत्य, दूसरे थे तप। ठीक है, यहाँ पर मतलब बताया गया है कि श्रेष्ठता में बताया गया है, जब ओंकार की उपासना की गई तो उसमें से श्रेष्ठ क्या आया। तो सबसे पहले जो रथितर के पुत्र थे सत्यवचा, उन्होंने जो उपासना की तो उन्होंने क्या कहा कि श्रेष्ठ जो है सबसे सत्य ही श्रेष्ठ है। तो सत्य को क्या बता दिया इन्होंने, श्रेष्ठ। जब पुरुषिष्ठ जो पुत्र तपोनिष्ठ जो थे, पौरुषिष्ठ भी जो कहा गया है उनको, तो यह ऋषि थे, इन्होंने कहा कि तप ही श्रेष्ठ है, तप के द्वारा ही उनकी साधना की जा सकती है। जो मुद्गल के पुत्र थे, मौद्गल नाक, नाक है ये नाक ऋषि, ठीक है, वो शास्त्र अध्ययन को श्रेष्ठ बताते हैं कि शास्त्र अध्ययन श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर तीन ऋषि और श्रेष्ठता क्या बताई गई, तो रथितर के पुत्र जो थे सत्यवचा, उन्होंने सत्य को श्रेष्ठ बताया। पुरुषिष्ठ तपोनिष्ठ के जो पुत्र थे, जो तपोनिष्ठ थे, उन्होंने तप को श्रेष्ठ बताया। जो मुद्गल के पुत्र थे वो शास्त्र अध्ययन को श्रेष्ठ बताया। ठीक है, अब यहाँ पर सत्य का तात्पर्य है सत्य वचन, तप होता है इंद्रियों का दमन करना, मन का निग्रह करके शास्त्र अध्ययन करना, यहाँ तप की जो परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे सत्यम वदम धर्मम चरम स्वाध्यात्मा प्रमदा, मतलब सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय करो। यह वाक्य किसमें आता है, आपको किसमें मिलता है, तो तैतरीय उपनिषद में। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सुनते हैं ना आप लोग ये वाक्य सुनते होंगे। तो ये वाक्य किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो ये भी तैतरीय उपनिषद से लिए गए। तो ये सीधे सीधे ये वाक्य पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपको ये लिख कर आ जाए अतिथि देवो भव किस उपनिषद से लिया गया है, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो कहा गया कि ये सब देव के समान है और इनकी उपासना करनी चाहिए। यहाँ में बोला गया कि सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, स्वाध्याय का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है वाक्य। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रह्मानंदवल्ली। ब्रह्मानंदवल्ली में कहा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा, सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्मा, यह इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। ठीक है, ब्रह्म कैसा है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। उसका निवास कहाँ बताया गया है, हृदय में, सभी जगह। यही अभी जो हमने पढ़ा, कौन सा उपनिषद पढ़ा था, छंदोग्य उपनिषद, उसमें भी क्या कहा कि हृदय गुहा में ही ब्रह्म का स्थान है, परम ब्रह्म निवास करता है। अब ये उत्पत्ति का क्रम ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आया भी है कई बार। तो यहाँ पर उत्पत्ति का क्रम क्या है, ब्रह्म सबसे पहले, ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, फिर आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, औषधियां, अन्न और पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य शरीर की उत्पत्ति बताई गई है। और कहा गया कि जो मनुष्य शरीर है वह अन्न व रस से युक्त है। इसमें से कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, आगे हम पंचकोश पढ़ेंगे और सेम ऐसे जैसे लास्ट दिया हुआ था ओंकार के उद्गीत की उपासना से, वही यहाँ बताया गया कि समस्त कामनाओं की पूर्ति। अब यहाँ आता है पंचकोश का वर्णन। पंचकोश क्या क्या बताया गया, अन्न में, प्राण में, मनु में, विज्ञान में और आनंद में। सीधा प्रश्न आएगा पंचकोश का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो छंद आपका तैतृय उपनिषद में। अन्न
अन्नमय कोष। कहा गया कि अन्न से ही प्राणी की उत्पत्ति होती है, उसी में विलीन हो जाता है, सभी तत्वों में श्रेष्ठ है, इसीलिए अन्न को सर्व औषधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब अन्नमय कोष की बात होती है तो अन्न को श्रेष्ठ कहा गया है और अन्न को क्या कहा गया है, सर्व औषधि, ये याद रखिएगा। ठीक है, अन्न क्या है, सभी तत्वों में श्रेष्ठ और सर्व औषधि, दो चीज याद रखना है। प्राण में, प्राण में कोष कहा गया, प्राणो ही भूतानाम आयु, प्राण जो है समस्त प्राणियों की क्या है, आयु है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राण क्या है, समस्त प्राणियों की आयु है। अन्य में शरीर की अंतरात्मा है, इसमें आप जैसे ही प्राण में पढ़ेंगे, मनो में पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आप प्राण पढ़ते जाएंगे वो उसकी अंतरात्मा। मैं वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी ठीक है? हाँ मैम, हेलो, अभी ठीक है आवाज मैम? प्राण में कोष एक बार दोबारा बताना मैम। देखिए दो चीजें हैं, अन्नमय कोष में आपको क्या कहना है कि सर्व औषधि, अन्नमय कोष को कहा गया है कि अन्नमय कोष जो है वह सर्व औषधि है। अन्न प्राण को कहा गया है कि संपूर्ण प्राणियों, समस्त प्राणियों की आयु को क्या कहा गया है, प्राण। ठीक है, प्राणो ही भूतानाम आयु, या तो आपको संस्कृत में लिखा आ सकता है या तो आपको हिंदी में लिखा आ सकता है। थर्ड है मनु में, मनु में कहा गया है कि प्राण में शरीर की आत्मा, प्राण में शरीर की आत्मा क्या है, मनु में। और यहाँ पर कहते हैं इससे ही ज्ञान का बोध होता है, प्राण में से ही ज्ञान का बोध होता है। प्राण में शरीर से व्याप्त होने से मनो में शरीर से पुरुष शरीर ही आकार है, प्राण में शरीर से मनो में शरीर सूक्ष्म है, इसीलिए इसमें क्या होता है, ज्ञान का बोध। विज्ञान में कोष आप देखेंगे, मनो में शरीर से भिन्न आत्मा विज्ञान में है, पुरुष की आकृति में समाविष्ट है, पुरुष की आकृति में समाविष्ट है, ये मनोमय में व्याप्त है। आनंद में कोष आप देखेंगे, आनंद में कोष में कहा गया कि यह सबसे श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है, ये पूर्ण, ये विज्ञान में कि अंतर्गत पूर्णता व्याप्त है, ये शरीर की, ये भी शरीर आकृति का है। ठीक है, आपको दो चीज यहाँ देखना है, पहला जो बताया गया था कि सर्व औषधि की तुलना किसको दी गई है, अन्न को, संपूर्ण प्राणियों की आयु किसे कहा गया है, प्राण को कहा गया है, और प्राण में शरीर की आत्मा क्या है, मनो में है। ठीक है, ज्ञान का बोध भी मनो में ही कराता है, और विज्ञान में जो है, विज्ञान में क्या कहा गया कि मनो में शरीर से भिन्न आत्मा विज्ञान में है, और आनंदमय को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं यहाँ? मैम हो गया, नहीं थोड़ा सा और बचा है इसमें, जैसे फिर ये क्या एक क्या आनंदमय को भी श्रेष्ठ बोला है और अन्नमय को भी श्रेष्ठ बोला है, सबसे श्रेष्ठ, उससे भी श्रेष्ठ, ये तो देखिए सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। मैम एक तरह से क्या ये सारे कोष एक दूसरे को जोड़, मतलब इस तरह से रहे हैं कि मनोमय में प्राणमय को लिया और विज्ञानमय में मनोमय को लिया, और जैसे ना कि प्राणमय शरीर की आत्मा मनोमय है और विज्ञानमय में लिखा है कि मनोमय शरीर की आत्मा विज्ञानमय है, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट इस तरह से करा है इन्होंने। हाँ, कि उसके अंदर ही यह है, ऐसे बोला गया है। ठीक है मैम, आनंदमय कोष सर्वश्रेष्ठ है क्या, आनंदमय अन्नमय कोष सर्वश्रेष्ठ है क्या, आनंदमय कोष सर्वश्रेष्ठ है सर्व क्या, अन्नमय कोष सर्व सर्व के श्रेष्ठ है, अन्नमय कोष तत्वों में श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, सभी जो आनंदमय कोष श्रेष्ठ है। मैम एक बार प्राणमय कोष का जो संस्कृत वाक्य है वो बता दीजिए, प्राणमय कोष का, प्राणो ही भूतानाम आयु, कहां गया ये, प्राणो ही भूतानाम आयु, सभी भूतों, भूतों का अर्थ समस्त प्राणियों से लिया गया। चलिए नेक्स्ट,
मैम मतलब प्राण क्रोश को सर्वायु कह सकते हैं ना, प्राणमय कोश को सर्वायु। हाँ हाँ वो एक ही बात है, मेन आपको आयु याद रखना है, ठीक है, सर्व और सदी सर्वायु इस प्रकार से मिलते हैं देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, पंचकोश की तुलना की गई है एक पक्षी की तरह और कहा गया कि जो पंचकोश का सिर, दायां पंख, बायां पंख, मध्य भाग, पुच्छ क्या है, ऐसे तुलना की गई है। और फिर कहा गया यदि आप इसकी साधना करते हैं तो उससे फल क्या प्राप्त होता है, यह भी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे अन्न में सबसे पहले अन्न में लिया जाता है, अन्न में शरीर का जो सिर है वह क्या है, रस, रस, क्योंकि अन्न से क्या मिलता है, रस मिलता है। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि दाया जो पंख है तो वह का क्या कहा गया है, दाई बाहु, यहाँ पे दाई बाहु होगी, एक बाहु का तात्पर्य है कि एक बाहु यहाँ पे ली गई है दाई, ठीक है, दाई बाहु, और यहाँ पर बाएं अर्थात बाया बाहु। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बाहु क्या है, दाया पंख क्या है, दाई बाहु, बाया पंख क्या है, बाई बाहु। अन्य में शरीर का मध्य भाग क्या है तो कहा आत्मा, पुच्छ क्या है तो कहा शरीर। दूसरा आप देखेंगे प्राण में, प्राण में शरीर का सिर क्या है तो प्राण, दाई बाहु क्या है तो कहा गया व्यान, बाई बाहु क्या है अपान, मध्य भाग क्या है आकाश, और पुच्छ क्या है पृथ्वी। मनो में शरीर बाहु, भुजा, अरे वही, अरे मतलब भुजा होता है, भुजा या पंख कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, भुजा या पंख, पक्षी से तुलना की गई तो आप पंख बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ शरीर की बात कर रहे थे तो यहाँ बाहु की बात की, अभी हम प्राण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वायु की बात करेंगे अर्थात पंख हो जाएंगे यहाँ। तो पंख की तुलना या तो मध्य भाग की तुलना या तो पुच्छ की तुलना या सिर की तुलना, एक पक्षी की तुलना कर दी गई है पंचकोश से, और हर एक पंचकोश को एक पर्टिकुलर रखा गया कि यदि अन्न में कोश एक पक्षी है तो उसकी तुलना कैसे करेंगे, तो कहा उस पक्षी का जो शरीर है वह पुच्छ है, उस पक्षी का जो आत्मा है वह मध्य भाग है, बाई बाहु दाई बाहु और रस, तो इस प्रकार से तुलना की गई। इसी प्रकार प्राण में प्राण व्यान अपान आकाश और पृथ्वी, पृथ्वी को पुच्छ कहा, मध्य भाग को आकाश कहा, बाएं को अपान, दाएं को व्यान और सिर को प्राण। फिर है मनोमय कोश, मनोमय कोश में यजु क्या है, सिर है, रिच क्या है, दाया पंख है, बाया पंख साम, आदेश, आदेश का अर्थ होता है वाक्य, मध्य भाग, और पुच्छ का तात्पर्य होता है अथर्व व अंगीरा के मंत्र में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विज्ञान में कोश, विज्ञान में कोश में कहा गया है कि जो श्रद्धा है वो सिर है, ये क्वेश्चन आया भी है आप लोगों को, ये ऑप्शन दिए जाएंगे एक तरफ, सिर, दाया पंख, बाया पंख, मध्य भाग और पुच्छ, ये चार चीजें लिखी जाएंगी और आपको ऑप्शन में ये दिए जाएंगे, अन्य में कोश के हो सकता है ये चारों चीजें दे दी जाए और बोली जाएंगी मिलान करिए, या तो प्राण में कोश के दिए जाए, अभी आया था ये वाला आया था, श्रद्धा रितम सत्यम योग मह, इनका आया था, योग की, योग नहीं आया था, ये आया था श्रद्धा रित, बस दी गई थी। मैम वॉइस नहीं आ रही, वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, वॉइस नहीं है,
मैम की आवाज नहीं आ रही ना, मैम लेफ्ट हो गई, मैम एग्जिट हो गई शायद, नहीं आ रहे आवाज उनका, लेफ्ट हो गए शायद। थोड़ी देर इंतजार करेंगे, अगर मैडम नहीं आती है तो लेफ्ट करना पड़ेगा सबको। किसने रिकॉर्डिंग लगाई है, बंद नहीं होगी नहीं तो? नहीं मैं कर दूंगी। ओके ओके। मैम का नंबर है क्या किसी के पास, कोई पूछ लो उनको, नहीं तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। सात्विक आप कॉल करके पूछ लीजिए। जी मैं पूछ लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। मैम आ रही हैं, वो बाई मिस्टेक, पता नहीं उनको भी पता नहीं था शायद। ये 1 बजे भी क्लास है ना अभी अपने? पूजा जी हाँ जी 1 बजे भी क्लास है ना अभी ये होने के बाद? जी जी पूजा पूजा जी फॉर्म भरने का जरूरी है क्या? राहुल सर ने भेजे सो फॉर्म अगले सेशन के लिए, सेशन बोलती मैं, अपने ब्रांच आने वाला ये खत्म, ये अपना ये ग्रुप खत्म होता है ना दूसरा ग्रुप के लिए। हाँ जरूरी है वो भरना, वो फॉर्म भरना जरूरी है मैम। अगर आप अगला बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू।
यस मैम। हेलो आवाज आ रही है? मैम वॉइस आ रही है आपकी? आ रही है मैम। लेफ्ट हो गई थी, कहाँ तक हुआ था? मैम विज्ञान में। विज्ञान में, अच्छा ठीक है। एक काम करते हैं, अभी कौन सी क्लास है? 1 बजे कोई क्लास है ना आप लोगों की? मैम टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, और फिर कितने बजे क्लास खाली है? मुझे क्योंकि क्वेश्चन भी कराना है और कंपैरेटिव स्टडी भी कराना है, तो उसमें मैम 3 to 4 होगी। 1 से 2 के बाद 3 से 4 है, फिर 4 से खाली है, 4 से या 5 से? यस मैम। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं 5 बजे आप लोगों की एक क्लास लेती हूँ, उसमें आपके कंपैरेटिव स्टडी और तैतरीय जितना भी बचा है, क्योंकि अभी नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है? तो वो जो बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, तो उसको कंप्लीट करके हम क्वेश्चन कर लेंगे और कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। आधे घंटे की क्लास होगी ऑलमोस्ट, 30 से 40 मिनट की, ठीक है? बताइए। ओके मैम, ओके मैम, ओके ओके ठीक, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद।